सो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से अपने इस नए वीडियो में एंड वेलकम टू ऑल ऑफ गाइस इन दिस वीडियो। और आज के इस नए वीडियो में ये वीडियो बेसिकली आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पटना यूनिवर्सिटी में हॉस्टल कौन कौन सा है और हॉस्टल मिलने का प्रोसेस क्या है। तो ऑल ओवर कहा जाए ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होगा, चाहे आप पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन 2024 यानी इस साल एडमिशन ले, चाहे यूजी के कोर्सेज में या पीजी के कोर्सेज में, कहने का मतलब बीए बीएससी बीकॉम में, या फिर वोकेशनल कोर्सेज बीबीए बीसीए जैसे कोर्सेज में, या फिर आप पीजी के कोर्सेज एमए एमएससी एमकॉम एमबीए एमसीए किसी भी कोर्सेज में अगर आपको एडमिशन लेना है इस बार पटना यूनिवर्सिटी में, तो इसमें एडमिशन में लेने के बाद में जो हॉस्टल की फैसिलिटी है स्टूडेंट्स को दी जाती है, क्योंकि आपको पता है पटना यूनिवर्सिटी में हॉस्टल इसलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ पे अटेंडेंस 75% मैटर करता है। मतलब यहाँ अगर आप पढ़ते हैं तो आपको क्लास प्रॉपर जाना है, और ऐसे में आपको पता है पटना यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें दूर दराज के स्टूडेंट आकर के पढ़ते हैं, तो उनको रहने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए हॉस्टल की फैसिलिटी मिलती है। तो कौन कौन से हॉस्टल है पटना यूनिवर्सिटी के, कौन कौन से कॉलेज के क्या क्या हॉस्टल है, इसके साथ में हॉस्टल की फैसिलिटी क्या है, मेस कैसा होता है, इसके साथ अभी जो हमारे पीछे जो आप वीडियोस देख रहे हैं ये इसकी फैसिलिटीज को दिखा रहा है कि यहां कैसा एनवायरमेंट है, यहां कैसा फैसिलिटीज है, ये सारे आप पिक्टोरियल व्यूज में मैं आपको यही दिखा रहा हूं। ठीक है, तो चलते हैं हॉस्टल के बारे में बात करेंगे, वन बाय वन सारी बात बताएंगे। जितने भी सारे कॉलेजेज है सबके पास अपना अपना हॉस्टल है, कहां लड़की का हॉस्टल है, कहां लड़का का हॉस्टल है, इसके साथ साथ में यूजी के लिए कौन सा हॉस्टल है और पीजी के लिए कौन सा हॉस्टल है, एक एक करके बात करेंगे। पीजी करने का मतलब ग्रेजुएशन के बाद वाला, और ट्वेल्थ के बाद वाला जो कोर्स होता है वो ग्रेजुएशन होता है, यूजी होता है। तो यूजी पीजी में कोई प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रखेगा, ठीक है। और पीछे आप डिफरेंट व्यूज को देख रहे हैं, मैं यहाँ पे प्रॉपर आपको बताऊंगा और पीछे हमारे सामने उसके एनिमेशन भी आपको दिखेंगे। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले पीजी के बारे में बात करेंगे यानी एमए एमएससी एमकॉम एमबीए एमसीए के लिए, और इसके बाद करेंगे फिर बात करेंगे ग्रेजुएशन के लिए, यानी कहने का मतलब बीए बीएससी बीकॉम फिर बीबीए बीसीए सारे कोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले बात करेंगे हम लोग किसके लिए, पीजी के बारे में। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरीके के पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और किसी प्रकार का डाउट्स हो तो कमेंट्स के माध्यम से आप अपने डाउट्स को पूछिएगा। तो चलेंगे और सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, पीजी कोर्सेज के बारे में। तो पीजी मैंने बताया, पीजी करने का मतलब जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, और जैसा ही इसमें एडमिशन होता है तो एडमिशन जैसे ही आपका क्लासेस का बात आ जाएगा, जैसे इस बार क्लास 8 अगस्त से चलना स्टार्ट है यूजी पीजी दोनों के लिए, तो क्लासेस चलने के लगभग उसी टाइम के आसपास में हॉस्टल की जो फैसिलिटीज है उसके लिए भी फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि फॉर्म अप्लाई करने का क्या प्रोसेस होता है अभी आगे जानेंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि हॉस्टल आपको क्लास स्टार्ट होने के आसपास में आपको हॉस्टल भी मिल जाएगा, तब तो आप रह करके पढ़ करके मतलब हॉस्टल में रहते हुए तब तो आप क्लास को अटेंड कर पाइएगा, क्योंकि यहाँ 75% बिना क्लास अटेंडेंस किए हुए आपको यहाँ पे एग्जाम देने के लिए नहीं दिया जाएगा। इसलिए आप अगर दूर के हैं, अगर आपके पास इकोनॉमिकली प्रॉब्लम है, तो आप इसके यूनिवर्सिटी की हॉस्टल फैसिलिटी को जरूर लीजिएगा, ठीक है। और अभी हम लोग बात करेंगे कौन कौन से कॉलेज के बारे में, तो पटना वुमेन्स कॉलेज प्राइवेट है इसको छोड़ करके, बाकी जितने भी सारे सबके। अभी एक थोड़ा सा अंदर हॉस्टल का व्यूज देखिए, हॉस्टल का कितना क्लीननेस होता है, यहाँ पे ये हॉस्टल का आपको व्यू मैं दिखा रहा हूं, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ डाइनिंग हॉल है, डाइनिंग हॉल देखिए हॉस्टल का कैसा, हॉस्टल की डाइनिंग हॉल फैसिलिटी होती है ये भी आप देख लीजिए। इसके साथ यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जब मेस का फैसिलिटी दिया जाता है स्टूडेंट्स को, तो अंदर का व्यूज है जहां पे आप फूड करते हैं। इसके साथ हॉस्टल में और भी कई सारी फैसिलिटीज मिलती है, जैसे जिम्नेजियम है जहां पे आप क्या कर सकते हैं, सुबह के टाइम में योगा कर सकते हैं, कुछ गेम्स खेल सकते हैं। ये भी एक हॉस्टल का व्यू है, ये गर्ल्स हॉस्टल का व्यू है, हॉस्टल का व्यू है, बस अंदर का हॉस्टल देखिए, ये गंगा देवी हॉस्टल का व्यू है। इसके साथ में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑल पीजी हॉस्टल, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जितने भी सारे पटना यूनिवर्सिटी में हॉस्टल है उनके लिए। तो सबसे पहले हॉस्टल के लिस्ट में यहाँ पे लगभग 4 हॉस्टल है, एक हथुआ हॉस्टल है रानीघाट के लिए, दूसरा पीजी हॉस्टल रानीघाट, तीसरा पीजी हॉस्टल नंबर 1 सैदपुर। इस तरीके से 4 हॉस्टल का लिस्ट है, चारों हॉस्टल के कंटेंट को देखे, ये देखिए ये हॉस्टल है हथुआ हॉस्टल है, ये हथुआ हॉस्टल का देख रहे, ये क्या है, ये पीजी के लिए, ठीक है। ये हथुआ हॉस्टल का आपको सीन देख रहा हूँ किसके लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, मतलब ग्रेजुएशन के बाद वालों के लिए ये पीजी एक हॉस्टल है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके साथ में
ये उसका इंटीरियर व्यू है हथुआ हॉस्टल का, यहाँ पे आपको लिखा भी आ रहा होगा तो किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आपको लग नहीं रहा होगा। इसके साथ में अब हॉस्टल के लिस्ट में बात करते हैं, मगध महिला कॉलेज के लिए हॉस्टल के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो मगध महिला कॉलेज मतलब अब हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ये अभी जो हॉस्टल आपने देखा था, चार हॉस्टल पीजी के लिए, ठीक है। रानीघाट का हॉस्टल है, दो है, इसके साथ एक हथुआ हॉस्टल है और इसके साथ एक है सैदपुर वाला हॉस्टल, तो चार हॉस्टल है पीजी के लिए। थोड़ा सा इसको मैं फिर से आपको दिखाता हूँ ताकि आप हॉस्टल वाला जो लिस्ट है ये आपको सही से समझ में आ सके। देखिएगा यहाँ पे ये चारों हॉस्टल को मैं समझा रहा हूं। अब देखिएगा यहाँ पे जो पीजी हॉस्टल है मतलब जो ग्रेजुएशन के बाद हॉस्टल मिलता है वो चार है। एक हथुआ हॉस्टल है रानीघाट में जहाँ पे 136 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, एक पीजी हॉस्टल रानीघाट है जहाँ पे 52 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, एक पीजी हॉस्टल कहाँ का है सैदपुर में, दो पीजी हॉस्टल है मतलब दो पीजी हॉस्टल रानीघाट में है, दो पीजी हॉस्टल किसमें है सैदपुर में। अभी मैं बात कर रहा हूँ पीजी के लिए, जो स्टूडेंट्स बॉयज होंगे उनके लिए चार हॉस्टल है टोटल। इसके साथ जो सैदपुर वाला हॉस्टल नंबर वन इसमें 98 कैपेसिटी और इसके साथ पीजी हॉस्टल नंबर सिक्स ऐसे करके कहा है, इसमें भी 98 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। तो 98 मोटा मोटी 200 और यहाँ पे लगभग आप स्क्वायर कीजिए मतलब 400 के आसपास यहाँ जो पीजी स्टूडेंट्स है बॉयज के लिए उनके लिए। लड़की के लिए एक कॉमन हॉस्टल है मतलब अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो यहाँ पे गंगा देवी हॉस्टल मतलब कृष्णा घाट के पास में एक गंगा देवी हॉस्टल के बगल में वो हॉस्टल है पीजी में गर्ल्स के लिए, मतलब गर्ल्स के लिए एक कॉमन हॉस्टल है और बॉयज के लिए चार हॉस्टल है पीजी के लिए। तो ये पीजी वाला मैटर खत्म हो गया। अब बात करते हैं यूजी वाला, प्रोसेस के बारे में बताएंगे अभी लास्ट में क्या प्रोसेस है। अब देखिए पीजी हॉस्टल्स को लेकर के, ठीक है, कि पीजी को मतलब पीजी के बाद अब यूजी के बारे में बात करते हैं, यानी अगर आप बीए बीएससी बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो अभी हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मगध महिला कॉलेज के हॉस्टल्स के बारे में कि मगध महिला कॉलेज में कौन-कौन सा हॉस्टल है। देखिएगा यहां पे मगध महिला कॉलेज का लिस्ट भी मैं बनाया हूं, इसके लिए मैंने एनिमेशंस आपके लिए सेट किया है और इसी एनिमेशंस के अकॉर्डिंग मैं यहां पे आपको दिखाता हूं। तो यहाँ के लिस्ट में अगर बात करें हम मगध महिला कॉलेज के बारे में तो मगध महिला कॉलेज में कई सारे हॉस्टल है, जैसे हॉस्टल गार्गी है, वैदही है, इसके साथ में मैत्री है, अवंतिका है, इसके साथ में एक एसटी के लिए स्पेशल हॉस्टल हॉस्टल वेलफेयर भी है और अभी हाल के टाइम में एक नया हॉस्टल बना है जिसका नाम है महिमा हॉस्टल। मतलब मगध महिला कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है, अगर आप यूजी वाले हैं तो आपके लिए कई सारे हॉस्टल है, हॉस्टल गार्गी, वैदही, मैत्री, इसके साथ अवंतिका और हॉस्टल एक वेलफेयर और एक महिमा हॉस्टल। लगभग जितने भी सारे नए स्टूडेंट्स है सबको जो हॉस्टल मिलता है वो हॉस्टल मिलता है कौन सा, वो महिमा वाला मिलता है फ्रेशर्स को। हालांकि अभी मैं एक कॉमन वीडियो बना रहा हूँ, बस हॉस्टल का इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, क्या प्रोसेस है वो बता रहा हूँ। जब हम लोग कॉलेज का रिव्यूज करेंगे तो फिर मगध महिला के सारे हॉस्टल का मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, फिर प्रोसेस बताऊंगा, तो एक एक करके फिर बात करेंगे। तो अभी बात अपनी हुई है किस हॉस्टल के लिए, मगध महिला कॉलेज के लिए। हॉस्टल काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 और एक हॉस्टल और रखिए कौन सा, ये अपना महिमा वाला, ये 6 हॉस्टल जो कि 7 फ्लोर का बिल्डिंग अभी हाल के टाइम में बना है। इसके बाद में आगे के हॉस्टल के लिस्ट में बढ़ते हैं तो इसमें बात करते हैं नेक्स्ट हॉस्टल जो कि किसके बारे में बात करें हम लोग, पटना कॉलेज के बारे में, ठीक है। तो पटना कॉलेज के हॉस्टल के बारे में बात करें, ये कुछ ये मगध महिला कॉलेज का हॉस्टल का सीन है अंदर का, ये हॉस्टल का सीन आपको दिख रहा होगा कि मगध महिला कॉलेज का, ये अवंतिका हॉस्टल आपको दिख रहा है, अवंतिका हॉस्टल कैसा दिखता है ये आप देख लीजिए, ठीक है। अब चलिए इसके बाद कर लेते हैं बीएन कॉलेज के बारे में। बीएन कॉलेज में बेसिकली दो हॉस्टल है, पटना कॉलेज के बारे में इसके बाद में बात करेंगे। बीएन कॉलेज में टोटल दो हॉस्टल है, ठीक है, और बीएन कॉलेज का जो हॉस्टल है ये बेसिकली बॉयज के लिए है, मतलब गर्ल्स के लिए पटना यूनिवर्सिटी में कॉमन हॉस्टल है, पीजी के लिए भी यूजी के लिए, वो आगे बताएंगे। अभी बॉयज हॉस्टल में जान लीजिए बीएन कॉलेज का दो हॉस्टल है, एक है अपना विशेश्वर भवन और एक अपना है सैदपुर हॉस्टल, ठीक है, और इसकी कैपेसिटी देख सकते हैं यहाँ पे आपको कैपेसिटी शो कर रहा है। आगे बढ़ते इसके साथ में लगभग सबको हॉस्टल मिल जाता है, जो भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं यहाँ पे हॉस्टल मिल जाता है। अगर आपका अच्छा परसेंटेज होगा, अगर आपका अच्छा पोजिशन होगा तो सिंगल रूम वाला हॉस्टल मिलेगा, अदरवाइज 3 से 4 स्टूडेंट्स को मिला करके कंबाइन करके आपको हॉस्टल मिलेगा। ये देख सकते हैं जो बीएन कॉलेज का ये जो हॉस्टल है, ये देख सकते हैं विशेश्वर भवन, ये आपको दिख रहा है हॉस्टल का लुक क्या, ठीक है। हालांकि अभी के टाइम में रेनोवेशन हुआ है तो ऐसा आप नहीं देखिए कि बहुत पुराना धुराना है, ऐसा आप नहीं सोचिएगा, ये इसको लेकर के रेनोवेशन भी किया गया है, ठीक है। आगे के लिस्ट में बढ़ते हैं, अब बात करते हैं पटना कॉलेज के हॉस्टल के बारे में। तो पटना कॉलेज में जो टोटल नंबर ऑफ हॉस्टल्स है वो कई सारे हॉस्टल है, जैसे जिसमें जैक्सन है, मिंटू है, नूतन है, इकबाल है, इस तरीके से चार हॉस्टल है। चारों की कैपेसिटी देखिए, जैक्सन का 76 है, मिंटो का 96, नूतन का 72 और इकबाल का भी 72, यानी टोटल 4 हॉस्टल है। ये सीन देख सकते हैं, जैक्सन हॉस्टल है पटना कॉलेज का। तो ये हॉस्टल का आप लिस्ट देख रहे हैं, ये सारा में आपको मिलेगा कब, जैसे ही आप एडमिशन लीजिएगा फिर हॉस्टल के लिए भी अप्लाई कीजिएगा,
कैसे अप्लाई होगा अभी आगे बताएंगे, लेकिन याद रखिए क्लास करने से पहले आपको मिल जाएगा। ये देखिए हॉस्टल हमारा मिंटो है, ठीक है, थोड़ा सा भी ये पुराना पिक्चर्स लिया गया, पर कोई ना, अभी के टाइम में सब रेनोवेशन हो चुका है, ठीक है। तो अभी आपने व्यूज देखा जैक्सन का, ये सेकंड व्यूज है किसका, ये मिंटो का है, ठीक है। इसके साथ है नूतन है और इकबाल है, आपको पता है। ये जो नेक्स्ट हॉस्टल है ये देखिए, ये आपका इकबाल हॉस्टल है, ये इकबाल हॉस्टल का सीन है। हालांकि कम्युनिटी के बेसिस पे मुस्लिम के लिए भी स्पेशल है, हिंदू के लिए भी स्पेशल है, ताकि ये कम्युनिटीज को लेकर के झगड़ा ना हो, इसके लिए कॉलेज अथॉरिटी ने इस चीज का भी ध्यान रखा है, ठीक है। इसके साथ में एक और हॉस्टल है, इस हॉस्टल को देख लीजिए, यहाँ पे अपना इकबाल हो गया और नूतन हो गया, ये दोनों हॉस्टल मैंने आपको दिखा दिया। तो पटना कॉलेज का भी सारा हॉस्टल हो गया, मगध महिला का हो गया, बीएन कॉलेज का हो गया, तीन कॉलेज का हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे एक बात कर लेते थोड़ा सा, किसके लिए, वाणिज्य महाविद्यालय के लिए, उसका हथुआ में ही इसको सेट किया जाता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसके बाद में पटना साइंस कॉलेज के बारे में, जो साइंस के फैकल्टी में सबसे टॉप है। इस पटना साइंस कॉलेज में कौन कौन से हॉस्टल्स है, तो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द हॉस्टल्स ऑफ पटना साइंस कॉलेज। पटना साइंस कॉलेज में जो टोटल हॉस्टल है वो 5 हॉस्टल है, और इसमें कई सारे हॉस्टल है, जैसे कैवेंडिस है, न्यूटन है, सीवी रमन है, रामानुजन है। इस तरीके से सारा हॉस्टल का नाम टोटल कितना है, 5 है, कैवेंडिस, न्यूटन, सीवी रमन, रामानुजन और फेराडे, ये सारे बॉयज हॉस्टल है। देख लीजिए कैपेसिटी, न्यूटन का 50, इसके साथ कैवेंडिस का 70, इसके साथ रामानुजन का 30, फेराडे का 70, और कैवेंडिस हॉस्टल का जो कैपेसिटी है ये स्टूडेंट्स का टोटल 88 है। ये पटना साइंस कॉलेज का हॉस्टल है, मतलब जो पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन लेंगे वो उनको ये सारा हॉस्टल मिलेगा। अब बात करते हैं पटना, पूरे पटना यूनिवर्सिटी में लड़की के लिए कॉमन हॉस्टल है ग्रेजुएशन के लिए, मतलब अगर आप बीए बीएससी बीकॉम बीबीए बीसीए अगर आप एक गर्ल्स है, और अगर आपने एडमिशन मगध महिला कॉलेज में नहीं लिया है, वैसे सिचुएशन में एक आपको स्पेशल हॉस्टल रखा गया जिसका नाम क्या है, मतलब ये अभी आप ये जो हॉस्टल्स का इमेजेस दिख रहा है, ये पटना साइंस कॉलेज वाला सारा हॉस्टल का इमेज देख लीजिए, ये 5 हॉस्टल का व्यूज है, आप देख लीजिए। लेकिन हम लोग बात कर लेते हैं आगे वाले हॉस्टल में। मैं क्या बता रहा था कि अगर आपको, अगर आपने एडमिशन, आप एक लड़की है और आप एडमिशन लेते हैं मगध महिला में, एडमिशन नहीं लेते हैं, तो बचा आप कौन कौन सा हॉस्टल। अगर आप एडमिशन लेते हैं बीएन कॉलेज में, पटना कॉलेज में, वाणिज्य महाविद्यालय में और पटना साइंस कॉलेज में, तो ये चारों जगह की लड़कियों के लिए एक कॉमन हॉस्टल बनाया गया है जिसका नाम है गंगा देवी, कृष्णा घाट के पास में गंगा देवी, ये कॉमन हॉस्टल है किसके लिए, गर्ल्स के लिए, ठीक है। तो गर्ल्स वालों के लिए भी समझ में आ गया, मगध महिला में एडमिशन लीजिएगा तो मगध महिला में तो खाली गर्ल्स होते हैं, तो गर्ल्स के लिए कई सारे हॉस्टल है, 5-6 हॉस्टल है, कहीं ना कहीं सेट हो जाइएगा। और अगर आप मगध महिला कॉलेज में एडमिशन ले लीजिएगा तो फिर आपके लिए कॉमन हॉस्टल रहेगा, जो कॉमन हॉस्टल में एडमिशन आपको लेना पड़ेगा। चलिए, तो अब तो ये मोटा मोटी तौर पे जितने भी सारे हॉस्टल्स हैं, सारे हॉस्टल्स के बारे में बता दिया हूं कि कहां किस पीजी के लिए क्या हॉस्टल का नाम है, यूजी के लिए क्या हॉस्टल का नाम है, किस कॉलेज में कितना हॉस्टल है, आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। और एक जो एक और कॉलेज है पटना लॉ कॉलेज, हालांकि लॉ स्टूडेंट्स के लिए, उनके लॉ कॉलेज का हॉस्टल नंबर ये है, और ये लॉ कॉलेज का ओल्ड हॉस्टल है जिसमें 52 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी है, ये पटना लॉ कॉलेज में जिनका एडमिशन होगा उनके लिए। तो ये पटना लॉ कॉलेज वाला हॉस्टल का व्यूज देख लीजिए, ये भी कॉलेज को इंक्लूड कर लेते हैं चलिए इसी वीडियो में। तो पटना लॉ कॉलेज भी हो गया। अब आगे बात करेंगे हम लोग, मतलब अब बात करते हैं हम लोग फाइनली इसको डिस्कस करते हैं कि भाई हॉस्टल में एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या है। ये मोटा मोटी तौर पर मैंने आपको पहले ही बता दिया हूं, ठीक है। और एक और कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट है, इसमें भी इसको इंक्लूड किया गया, ये कैंपस हॉस्टल आर्ट है, ठीक है। मतलब कई सारे कॉलेज है, लेकिन ग्रेजुएशन एडमिशन मिले ये 5 कॉलेज में होता है जिसको मैंने हाईलाइट किया था, लेकिन सारे हॉस्टल्स के एनिमेशन में बना दिया था, तो इस चीज को मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉलेज, जिसमें पटना कॉलेज, पटना इस कॉलेज का नाम है कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। अगर आप पेंटिंग वाले सेक्शन में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो इस हॉस्टल में मतलब आठ सीट की कैपेसिटी है, ठीक है। तो पटना लॉ कॉलेज भी हो गया, सारा कॉलेज भी हो गया। अब बात करते हैं कॉमन गर्ल्स हॉस्टल, जो बता रहा था मैं, जीडीएस गर्ल्स हॉस्टल, ये किसके लिए, लड़की के लिए, अगर आपका एडमिशन मगध महिला में नहीं होगा तो उनके लिए है, जिसका नाम क्या है, जीडीएस गर्ल्स हॉस्टल, यानी गंगा देवी गर्ल्स हॉस्टल। तो ये किसके लिए, ये लड़की के लिए कॉमन हॉस्टल है, जिसमें पटना कॉलेज की लड़की, बीएन कॉलेज की लड़की, ये सब रहते हैं। हॉस्टल का व्यू देख लीजिए, जीडीएस गर्ल्स हॉस्टल है कृष्णा घाट के पास में। तो सारा हॉस्टल का जो कंटेंट है ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नाउ जो मेजर जो प्रोसेस है, अब प्रोसेस को लेकर के हम बात करेंगे, ठीक है, कि क्या प्रोसेस है इसमें एडमिशन लेने का। चलिए, तो देखिएगा हॉस्टल्स में बता रहे हैं, सबसे पहले इसको ऐसे समझिएगा, देखिएगा एक तो मगध महिला कॉलेज स्पेशल है, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेजुएशन वालों के लिए, यानी कहने का मतलब बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए, और इसके साथ में जो वोकेशनल कोर्सेस आते हैं बीबीए बीसीए उनके लिए भी, मतलब यूजी कोर्स वालों के लिए, पीजी कोर्स वाले थोड़ा सा वेट करेंगे इसके बाद उनका भी बताते हैं। तो एक तो मगध महिला कॉलेज है जो कि क्या है, जो कि स्पेशली गर्ल्स स्पेशल है, और यहाँ पे 3 सीरीज हम लोग रखते हैं, ठीक है। हॉस्टल्स कैसे मिलेगा इसको लेकर के मैं 3 सीरीज में इसको सेट करता हूँ, मगध महिला कॉलेज स्पेशल गर्ल्स के लिए है,
एक कॉमन गर्ल्स हॉस्टल के लिए, बाकी जितने भी सारे बॉयज हैं, बॉयज का लगभग हर कॉलेज में हॉस्टल है। मगध महिला जो कॉलेज है इसमें आपको पता है जो भी पांच छह कॉलेज है जिसमें मैंने बताया, गार्गी है, अवंतिका है, वैदेही है, महिमा हॉस्टल है नया वाला, ये सब में हॉस्टल के लिए जो अप्लाई करने का प्रोसेस है ये ऑनलाइन होगा, और जिस टाइम आपका एडमिशन होगा इसी टाइम इसके कॉलेज के वेबसाइट पे क्या होता है, हॉस्टल के लिए अप्लाई होता है, और अप्लाई करने के टाइम में आपको 1000 रुपया अप्लाई चार्ज लगता है हॉस्टल को अप्लाई करने का, और हॉस्टल का लिस्ट आता है, तो फिर आपको लिस्ट में चेक करना होता है कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है, ये किस पे होगा, आपका 12th के परसेंटेज पे होगा। इसके बाद अगर आपका हॉस्टल में नाम आ जाता है तो फिर आप हॉस्टल का पैसा जमा करते हैं, और ये हॉस्टल का पैसा लगभग 13,000 के आसपास लगता है, ये एक साल का पैसा लगता है, एक साल का पैसा एनुअल चार्ज के फॉर्म में, बाकी हर महीने का खाने का हॉस्टल का चार्ज अभी लगभग 3800 रुपया अभी हर महीना ये खाने का लगता है, ये मेस का चार्ज लगता है। तो ये बात हो गई मगध महिला कॉलेज में अगर आपका एडमिशन होता है और अगर आप हॉस्टल लेते हैं तो। अब बात कर लेते हैं इनके लिए, मतलब अगर आपने एडमिशन बीएन कॉलेज में लिया, अगर आपने एडमिशन पटना कॉलेज में लिया, अगर आपने एडमिशन पटना साइंस कॉलेज में लिया, या अगर आपने एडमिशन वाणिज्य महाविद्यालय में लिया, और अगर आप एक लड़की है, गर्ल्स है, तो आपको पता है आपके लिए कॉमन हॉस्टल है जिसका नाम है गंगा देवी गर्ल्स हॉस्टल, जिसको हम लोग जीडीएस कहते हैं। इसमें अगर बात की जाए तो इसमें जो एनुअल चार्ज है वो 3200 रुपया एनुअल चार्ज है, बाकी हर महीने खाने का लगभग 2700 से 2800 के आसपास लगता है, ये हर महीने खाने का चार्ज लगता है। तो ये चार्ज हो गया किसके लिए, गंगा देवी गर्ल्स हॉस्टल के लिए। आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट में, अब अगर आप बीएन कॉलेज के स्टूडेंट हैं, यानी आप बॉयज के बारे में बात करें, या फिर आप पटना कॉलेज के हैं, या फिर आप वाणिज्य महाविद्यालय के लिए हैं, या फिर आप अगर पटना साइंस कॉलेज के लिए, आपको बताया पटना साइंस कॉलेज में टोटल बॉयज के लिए हॉस्टल 5 है, वाणिज्य महाविद्यालय में 1 है, पटना कॉलेज में टोटल 4 है, और यहाँ पे बीएन कॉलेज में टोटल क्या है, 2 है। ठीक है, इस तरीके से बॉयज हॉस्टल का जो नंबरिंग है ये मैंने बता दिया। लगभग अब इसमें सुनिए अप्लाई करने का प्रोसेस, हालांकि यहाँ पे गंगा देवी वालों का अप्लाई करने का प्रोसेस में छूट गया बता देता हूँ। गंगा देवी गर्ल्स हॉस्टल में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा ही आपका एडमिशन होगा इसके बाद आपको पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट सेक्शन जाना है, कहाँ पे, स्टूडेंट सेक्शन, और वहां जाकर के कहना है कि हॉस्टल वाला फॉर्म दीजिए, उसके बाद हॉस्टल वाले फॉर्म को भर करके फिर उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सेक्शन में क्या कर देना है, जमा कर देना है। ये जो प्रोसेस होता है ये ऑफलाइन प्रोसेस होता है, ये जो गर्ल्स हॉस्टल है गंगा देवी इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, ऑफलाइन है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा खर्च अप्लाई करने में आपको नहीं लगता है। आगे बढ़ते हैं, यहां बात कर रहे थे हम लोग इसके बारे में, बॉयज हॉस्टल के बारे में। जैसे ही आपका एडमिशन होगा, जिस भी कॉलेज में एडमिशन होता है देखिएगा, उस कॉलेज का नोटिस आ जाएगा नोटिस बोर्ड पे, तो आपको क्या करना है, कॉलेज के काउंटर पर से, कहां से, कॉलेज के काउंटर पर से हॉस्टल वाला फॉर्म खरीदिएगा। फॉर्म खरीदने में लगभग 100 रुपया आपको लगेगा, तो फॉर्म खरीद करके उसी काउंटर पे क्या कर देना है, फिर इसको क्या कर देना है, फोटो वोटो सब चिपका करके, इसके बाद क्लास 12 का मार्कशीट ये सब लगा करके फिर उसी काउंटर पे क्या कर दीजिएगा, जमा कर दीजिएगा। और जमा करने के बाद फिर उस कॉलेज का हॉस्टल का लिस्ट आता है नोटिस बोर्ड पे, देख लीजिएगा आपको कौन सा हॉस्टल मिला है, जिस हॉस्टल मिलेगा फिर उस कॉलेज के उस कॉलेज में जाकर के 3200 रुपए के हिसाब से आप हॉस्टल का पैसा एक साल का जमा कर दीजिएगा। और बॉयज वाले हॉस्टल में आप अपने से भी खाना बना सकते हैं या फिर आप मेस की सुविधा भी रख सकते हैं, ये आपकी मन है। लेकिन मगध महिला कॉलेज में लगभग हॉस्टल में मेस की सुविधा आपको लेना पड़ता है, लगभग स्टूडेंट्स 9 के बराबर बनाते हैं। ठीक है, तो कुछ हॉस्टल्स में कंडीशन है, जो नया हॉस्टल है वहां पे बनाने की छूट नहीं मिलती, जैसे महिमा हॉस्टल में बनाने का छूट नहीं है, जो मगध महिला कॉलेज का हॉस्टल है उसमें आपको खाना लेना ही पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, 3200 रुपए का एनुअल चार्ज पे कर दीजिएगा, और बॉयज हॉस्टल में स्टूडेंट्स लोग कॉमन मिलकर के भी वो मेस वगैरह अरेंज करते हैं, लगभग 2500 के आसपास यहाँ भी खर्च पड़ता है। अगर इसी के कंपैरिजन में अगर मैं बाहर का खर्च बताऊं, थोड़ा सा पटना आने से पहले थोड़ा सा बाहर का खर्च मैं आपको बताता हूं। अगर आप बाहर अगर रूम लीजिएगा, अगर किसी के साथ बेड शेयरिंग वाला रूम रखिएगा, तो 2000 आपका रूम का मिनिमम, कम से कम खाने पीने में आपका खर्च होगा, तो लगभग 3000 से 3500, और लगभग समझिए कि 1000 के आसपास, या मिनिमम कहिए 2000 के आसपास आपका पॉकेट खर्च भी। तो अगर आप बाहर भी रहते हैं तो लगभग आप खर्चा जोड़ दीजिए, लगभग ये आपका 7000 से 7500 के आसपास खर्चा है। अगर आप मेस वाला हॉस्टल लीजिएगा तो लगभग 6000 6500 में आपको खाने प्लस रहने की फैसिलिटी देता है, लेकिन कॉमन रूम बाहर में भी मिलता है, मतलब 6500 से 7000 एवरेज खर्च है। और उसी के कंपैरिजन में अगर हॉस्टल में आइएगा, मतलब कॉलेज का हॉस्टल में आइएगा, तो मान लीजिए कि आपका 3000 रुपया एनुअल चार्ज लगा एक साल का बॉयज या गर्ल्स हॉस्टल में, मगर महिला छोड़ देते हैं, मतलब 300 रुपया का आपका महीना आपको समझिए हॉस्टल के चार्ज के फॉर्म में गया, और आपका 2500 से 2800 के आसपास खाने पीने का गया था, मोटामोटी कहा जाए तो 3500 के आसपास आप कॉलेज हॉस्टल में क्या होता है, खा पी करके आराम से रह लेते हैं। तो देख सकते हैं लगभग आधा आधी खर्च आपका यहाँ पे होता है। बाकी अगर आप पीजी हॉस्टल्स के बारे में बात करें, तो पीजी हॉस्टल्स में मैंने बताया
कि बॉयज के लिए लगभग 4 हॉस्टल है, ठीक है, पीजी हॉस्टल्स के फॉर्म में रानीघाट और सैदपुर वाला, और लड़की अगर आप है पीजी के लिए तो इसमें आपको पता है इसमें हॉस्टल आपका क्या है, गंगा देवी के सामने वाला, आपके लिए भी गंगा देवी का दूसरा ब्रांच है, आपके लिए हॉस्टल है, आपके लिए भी प्रोसेस क्या है, जैसे ही अप्लाई कीजिएगा इसके बाद यूनिवर्सिटी के सेक्शन से जाकर के ऑफलाइन फॉर्म खरीदेगा और ऑफलाइन उसको फॉर्म को भर करके हॉस्टल के लिए क्या कर दीजिएगा, अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद हॉस्टल का चार्ज आपका भी लगभग 3200 के आसपास एक एनुअल चार्ज, बाकी खाने का अगर आप अपने से बनाते हैं तो ठीक है, अगर आप मिस लेते हैं तो लगभग 3000 के आसपास आपका भी खर्च पड़ जाएगा। यही प्रोसेस ये जो पीजी में जो जिनका एडमिशन होता है गर्ल्स के लिए उनके लिए भी ये प्रोसेस है। तो ये हॉस्टल वाला वीडियो कई सारे स्टूडेंट्स का डिमांड था, इसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर कर दिया। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा होगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं, सो मच, थैंक यू।